हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द टेक। और मैं हूं आपका होस्ट हैरी, और आपका स्वागत है टेक ऑटो ज्ञान में। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास एक बाइक है और उसमें सिंगल हॉर्न लगा हुआ है, और आप चाहते हैं कि उस बाइक में आप डबल हॉर्न असेंबली लगाना चाह रहे हो, और उसको लगाने के लिए आपको एक रिले भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी ताकि आपकी जो हॉर्न की साउंड है वो प्रॉपर निकल पाए, प्रॉपर नीट एंड क्लियर वॉइस उसकी जो साउंड है वो निकले, ताकि हॉर्न लगा भी अच्छा हो और उसकी साउंड भी बेहतरीन हो। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको चाहिए क्या क्या होगा। आपको चाहिए होगे एक पेयर, एक अच्छी कंपनी के हॉर्न के, आप कोई भी हॉर्न खरीद सकते हो। मैं आज आपको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूं मिंडा के एक पेयर्ड हॉर्न, और उसके साथ मिंडा की ही रिले मैं आप इंस्टॉल करूंगा। आप कोई भी कंपनी के खरीद सकते हो, जैसे कि हेला के खरीद सकते हो या आप रूट्स के खरीद सकते हो, कोई भी आपको एक बेटर आपके एरिया के अकॉर्डिंगली कोई भी बेटर हॉर्न मिल रहा है तो आप उसका पेयर परचेज कर सकते हो, जिसका प्राइस आपको 400 से 600 के आसपास आपको हॉर्न मिल जाएंगे। और रिले जो 30 एम्पियर की रिले मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूं, उसका जो प्राइस है वो 80-85 के आसपास आपको कहीं से भी मिल जाएगी। और इसके अलावा आपको कुछ मीटर्स वायर चाहिए होगी 1 mm थिक, जो कि आप कॉपर वायर यूज करना, आपको कॉपर वायर ही यूज करनी है, उसके अलावा एल्यूमिनियम की वायर नहीं यूज करनी, ताकि रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम रहे और आपके हॉर्न्स की जो साउंड है उस पर बिल्कुल भी कोई इफेक्ट ना आए। इसके अलावा आपको टोटल 8 थिम्बल चाहिए, जो कि हमें वायर्स कनेक्टर भी आप बोल सकते हो, इसे हम बेसिकली टेक्निकली थिम्बल्स बोलते हैं। तो 2 ऑलरेडी आपकी बाइक के साथ होंगे, तो हमें टोटल 6 थिम्बल्स वायर, एक पेयर्ड हॉर्न और एक 30 एम्पियर की रिले चाहिए होगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स, तो हम शुरू करेंगे, 2 स्टेप से शुरू करेंगे वीडियो को। हम पूरी इंस्टॉलेशन सबसे पहले करेंगे डायग्राम से। तो सबसे पहले आपको ये आपके वो 2 हॉर्न्स होंगे जो आप अपनी बाइक पे इंस्टॉल करना चाह रहे हो। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक वायर लेनी है, आपने ये वो 2 कनेक्शंस हो गए जो आपके हॉर्न्स पे ऑलरेडी लगे होंगे, ठीक है जी। एक वायर आपने लेनी है जिसको आपने किसी भी बोल्ट के साथ अटैच कर देना है, उसकी आपने करनी है अर्थिंग, ठीक है, जिसको हम ग्राउंड भी बोल देते हैं, आपने उसकी अर्थिंग करनी है, और उसी वायर को आपने अपने हॉर्न के दूसरे कनेक्टर के साथ जोड़ देना है, ठीक है जी। और उसके बाद आपने एक और थिम्बल यहां पे अटैच करना है, आपने इस वायर को यहां से लेके दूसरे कनेक्टर के साथ जोड़ देना है, ठीक है जी। और यहीं से इसका कनेक्शन, और ये है आपकी रिले जो हम 30 एम्पियर की रिले यूज करेंगे, वो यहां पे हम यूज करने वाले हैं। ये आपकी रिले हो गई, ये यहां उसके कनेक्टर्स होंगे जहां पे लिखा होगा 86, 85, ये 30 एम्पियर की है और ये 87 हो जाएगा। आपने क्या करना है, यहां से एक कनेक्शन इस 87 को यहां आपने कर देना है, ठीक है जी। रिपीट कर रहा हूं, यहां से कनेक्शन आपने दोनों वायर्स को यहां कनेक्ट करके यहां पे अर्थिंग करनी है, और यहां ये कनेक्टर से वायर को उठा के आपने इस कनेक्टर से ज्वाइन करना है, और उसका एक साथ कनेक्शन आपने 87 के साथ कर देना है। और इसके अलावा आपकी बाइक में ऑलरेडी 2 कनेक्शंस ऑलरेडी लगे होंगे, 2 वायर्स मिली होंगी जो कि ऑलरेडी एक सिंगल हॉर्न के साथ लगी होंगी, ठीक है जी। और उसकी जो आपकी ब्लैक वायर होगी, ये ब्लैक वायर है, ये आपने 85 के साथ जोड़ देनी है, और जो ऑलरेडी हॉर्न के साथ जो वायर है रेड वाली, वो आपने यहां 86 के साथ जोड़ देनी है। इन दोनों वायर्स को हम स्टॉक वायर्स भी कह सकते हैं, या स्टॉक कनेक्शन भी कह देते हैं। ये आपने ऑलरेडी जो आपके हॉर्न के साथ 2 वायर्स लगी होंगी, रेड वाली आपने 86 के साथ कनेक्ट करनी है, और जो ब्लैक है वो आपने 85 के साथ कनेक्ट कर देनी है। अब रहता क्या है यहां पे, यहां पे सिर्फ एक चीज रह जाती है, आपका बैटरी का कनेक्शन, ठीक है जी। तो बैटरी के कनेक्शन के लिए ये एक बैटरी का पॉजिटिव हो गया, ये बैटरी का नेगेटिव हो गया। आपने एक वायर लेनी है, यहां से कनेक्शन आपने बैटरी के पॉजिटिव के साथ कर देना है। तो इसी के साथ ये आपका पूरा का पूरा कनेक्शन, जो पूरी की पूरी इंस्टॉलेशन है, जो सर्किट डायग्राम है, ये आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। ये आपका रिले का सर्किट कंप्लीट है। तो आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसके साथ इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। जी फ्रेंड्स,
तो सबसे पहले हमने ये दो वायर्स ले लेनी है, तो उनको हमने एक साइड से जोड़कर वहाँ पे एक थिम्बल अटैच कर देना है। थिम्बल अटैच करने के बाद सबसे पहले तो हम इसे अच्छे से एक प्लास की हेल्प से, एक प्लायर की हेल्प से अच्छे से कस लेंगे, और दूसरे उसके बाद हम दूसरी साइड पे भी एक थिम्बल अटैच कर देंगे, और इसी तरह तीसरी साइड पे भी एक थिम्बल अटैच किया जाएगा, और इसी तरह एक और पेयर बनाया जाएगा, एक ऐसी वायर और तैयार की जाएगी जिसके दो साइड पे थिम्बल लगे होंगे लेकिन थर्ड साइड पे हम थिम्बल नहीं लगाएंगे। तो ये हमारी वायर तैयार हो गई है, तीनों साइड पे इसके थिम्बल लग चुके हैं, और इसे मैं कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दोनों हॉर्न लगा दिए हैं, और उनके साथ एक वायर, एक थिम्बल के साथ एक हॉर्न को तक जो मैंने अटैच कर दी है, और वही वायर दूसरी साइड पे मैंने दूसरे हॉर्न के साथ अटैच कर दी है थिम्बल की हेल्प से, और यही वायर एक हॉर्न से मैंने स्क्रू के साथ लगा दी है बाइक के एक पार्ट के साथ टच कर दी है जहाँ पे इसको अर्थिंग मिलती रहेगी, और ये है वही रिले जिसके साथ मैंने स्टॉक वायर भी अटैच कर दी है। देखिए 86 के साथ मैंने रेड वायर लगा दी है और 85 के साथ मैंने ब्लैक वायर ऑलरेडी यहाँ पे लगा के रखी हुई। ठीक है जी, तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप वायरिंग का। ठीक है जी, तो ये वायर जो हमने दूसरी वायर तैयार करके रखी है, पहली मैंने ऑलरेडी अटैच कर दी है, ये दूसरी वायर जिसके तीनों साइड पे थिम्बल लगे हुए हैं, तो इसको मैं अब यहाँ पे इंस्टॉल करूँगा। पहली मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ जिसके दो साइड पे थिम्बल लगे थे, दो थिम्बल एक एक हॉर्न के साथ और एक मैंने अर्थिंग करी थी। ठीक है जी, और ये दूसरी वायर मैं अटैच करने जा रहा हूँ। इसका जो मिडल वाला पोर्शन है, सॉरी एक साइड वाला जो पोर्शन है वो मैं रिले के साथ अटैच कर रहा हूँ, रिले के 87 के साथ, जहाँ पे 87 लिखा होगा वहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया है। ठीक है जी, और इसका जो मिडल पोर्शन है उसको मैं एक हॉर्न के साथ अटैच करूँगा, जैसे कि ये मैंने लास्ट वाला ऑप्शन, जो लास्ट वाला सपाट था थिम्बल था वो मैंने यहाँ पे लगा रहा हूँ, और सिमिलरली जो मिडल वाला जो लटक रहा है एक साइड पे वो मैं दूसरे हॉर्न के साथ अटैच कर दूंगा, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। ठीक है जी, ये मिडल वाला पार्ट ये मैं अभी दूसरे हॉर्न के साथ यहाँ पे फिट करूँगा, तो इसको यहाँ पे फिट करने के बाद हमारी जो पूरी की पूरी जो सर्किट होंगे वो पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये मैंने यहाँ पे इसको फिट भी कर दिया, और ये हमारा स्टेप 1 और स्टेप 2 दोनों ही वायरिंग के जो मेन पार्ट हैं वो कंप्लीट हो चुका है, और अब लास्ट पे एक पार्ट बचता है जो कि 30 एम्पियर वाला पार्ट है। ये मैंने अपनी बाइक का यहाँ से बैटरी का जो चैम्बर है वो खोल लिया है, और सबसे पहले हमें एक लंबी वायर चाहिए होगी जिसकी मैंने एक साइड पे थिम्बल अटैच ऑलरेडी करके रखा है, दूसरी साइड पे थिम्बल अटैच करने की ज़रूरत नहीं है, ये काफ़ी लंबी वायर है, वायर इतनी लंबी होनी चाहिए कि बैटरी से लेकर आपकी रिले तक पहुँच जाए। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं ये जो ओपन पार्ट है इसको मैं बैटरी के रेड साइड पे, जो रेड इलेक्ट्रोड होती है, जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होती है, यहाँ पे ओपन पार्ट मैं ये स्क्रू खोल के यहाँ पे लगा दूँगा। ठीक है जी, और ये लगाने के बाद क्या है, ये आप देख रहे हैं कि सारी की सारी वायर जो बैटरी से होके आ रही है, एक सिंगल वायर है जो टैंक के नीचे से मैं लेके आ रहा हूँ, और टैंक के नीचे से जो थिम्बल वाला पार्ट है, जो लास्ट बचा हुआ अब थिम्बल है हमारी रिले पे, जो कि 30 वाला है, जो 30 एम्पियर वाला जो थिम्बल बच चुका है वहाँ पे ये मैं वायर थिम्बल के साथ अटैच कर रहा हूँ। ठीक है जी, अटैच करने के बाद ये हमारी वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, और इसके बाद मैं यहाँ यहाँ इसको फिक्स कर दूंगा, और आइए अब हम सुनते हैं हमारे रियल जो हॉर्न है उनकी साउंड, तो देखते हैं कैसी है ये। जी फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा इंस्टॉलेशन मेथड अच्छा लगा, पसंद आया और पूरी तरह से समझ आया। तो आज का वीडियो मेरा आपको अगर अच्छा लगा है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको इंस्टेंटली मिल जाएं और आप उसको देख पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।